अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन। ऐसे में मुसलमानों का मुबारक रमजान का महीना, जिसमें लोग रोजे रखते हैं, जकात देते हैं और नमाज पढ़ते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, मगर जहां कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार हर उचित कदम उठा रही है, लॉकडाउन लागू हुआ है, धारा 144 लगी है ताकि लोग भीड़ भाड़ ना करें, घरों में ही रहे, यहां तक के मस्जिदों में जाकर नमाज अदा नहीं करने का आदेश है। लोगों से घरों में नमाज पढ़ने और इबादत करने की सलाह दी जा रही है, मगर अब रमजान का महीना खत्म हो रहा है और ईद आ रही है और ईद की नमाज को लेकर हर मुसलमान कश्म में है। ईद की नमाज कहां अदा करे, इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता हाजी अरफाज शेख ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखकर पीपीई किट पहनकर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी है। इस मामले में हाजी अरफाज ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। नमाज को लेकर किस तरह की मांग आपने गवर्नमेंट से की, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में नमाज पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल, मैंने आज एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को एक पत्र लिखा, हमारे विरोधी पक्ष नेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को एक पत्र लिखा, शरद पवार जी को एक पत्र लिखा और ख़ास तौर पर उनको बताया कि देखिए, ये हम पिछले 40 दिनों से घर के अंदर, पूरे देश में जो आज लॉकडाउन के लिए हम उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि नमाज जुमा की, कई जुमा की नमाज हमने 4-5 जुमा हुए, हमने जुमा के दिन नमाज में मस्जिदों में नहीं गए, रेगुलर दिन के अंदर हमने मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि इबादत हम घर में भी बैठ के कर सकते थे, इसलिए हमने उसको पॉसिबल जो चीज़ थी हमने इबादत घर में बैठ के की और पूरा देश का साथ देने का हमने काम किया। लेकिन ईद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो बिगर खुतबे के नहीं होती, जैसे जुमा बिगर खुतबे के नहीं होती, हमने कई जुमा ऐसी छोड़ दी, क्योंकि जितना हमारा धर्म हमको प्यारा है उतना हमको हमारा देश भी प्यारा है, हमने धर्म और देश का ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन महाराष्ट्र के हमारे जो सेकुलर मुख्यमंत्री है उनको मैंने कहा, और इस मंत्रिमंडल में कई मुस्लिम मंत्री है, उन मंत्रियों को भी कहा कि उन मंत्रियों को भी नमाज पढ़ना होगा, तो देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता खास तौर पर इस चीज़ के ऊपर इतना, मतलब सोच में सुबह से लेकर शाम तक के कई उलमाओं का मुझे फ़ोन आता है, कई महाराष्ट्र के कई कोने से 36 जिले पे मुस्लिम भाइयों के फ़ोन आते, कई मुस्लिम बुज़ुर्गों के मुझे फ़ोन आते कि ईद की नमाज का हाजी अरफा शेख किस तरीके से आप हम इंतज़ाम करेंगे, सरकार से आप क्या बात करेंगे। इसलिए मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने एक पत्र लिखा और उनको कहा कि साहब, मैं एक ऐसा सुझाव देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और सभी मुस्लिम मंत्रियों ने, सभी मुस्लिम लीडरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये करना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है पीपी किट पहन के, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, वो अपना बचाव कर सकता है, अगर कोई मरीज जिसकी डेथ हो जाती है तो वो मरीज़ को छोड़ने के लिए वो जो लोग डॉक्टर्स वगैरह जो टीम जाती है कब्रिस्तान तक जाती है, वो पीपी किट पहन के जा सकती है। इसका मतलब पीपी किट पहनने से वो, उसको सेफ्टी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो अपना बचाव कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस साल महाराष्ट्र का मुसलमान, देश का मुसलमान, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस साल मुसलमान पठानी सूट नहीं पहनेगा, पीपी किट पहनेगा, क्योंकि ईद में नया कपड़ा पहनना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतनी नमाज पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने हमको पीपी किट के अंदर, हमको महाराष्ट्र के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी हटाई जाए। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नमाज होती है, 6 से 8 के बीच में हम लोग सब लोग नमाज पढ़ लेंगे मस्जिदों में। अगर उन्होंने करने के लिए, अगर हमको नमाज पढ़ने के लिए फैसिलिटी दी तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, हम जिंदगी भर उनका एहसान मंद रहेंगे, हम दुआ देंगे। लेकिन अगर उन्होंने, अगर कभी उसमें नहीं पॉसिबल हो सकता, कम से कम हमको मैदान अवेलेबल करके, जैसे आज़ाद मैदान हो गया, शिवाजी पार्क का ग्राउंड हो गया, सोमैया ग्राउंड हो गया, ऐसे ग्राउंड करके दिया जाए। दूसरी एक बात, कई महाराष्ट्र के ऐसे जिले हैं जहाँ कोरोना वायरस का कुछ मामला नहीं है, तो उधर पे भी थोड़ी छूट कलेक्टरों ने देना चाहिए और सरकार ने उनको आदेश देना चाहिए, कम से कम हम ईद के नमाज से महरूम नहीं रहेंगे। देखिए, हम समझते हैं पूरे साल भर में एक दिन हमारा एक ऐसा आता है जो हम जिसको अफजल दिन मानते हैं, आला दिन मानते हैं, और हम खुशियां मनाते हैं, जो वो ईद का दिन होता है और हमारा खुशियों का त्यौहार है, और उस दिन में हम नमाज पढ़ते हैं और ईद के गले मिलते हैं, हमारी माँ को मिलते हैं। लेकिन अगर हम ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ईद कैसी होगी? ये दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन, सबसे खराब दिन होगा।
हमारी जिंदगी का, मतलब मेरी जिंदगी का और हमारे मुसलमानों की जिंदगी का सबसे बुरा दिन अगर कभी अगर हम मानेंगे तो वो ईद का दिन हम मानेंगे, जिस दिन को हम अच्छा मानते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, सेकुलर मुख्यमंत्री जी से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने भी मुसलमान सेकुलर मंत्री उनके साथ जुड़े हैं उनसे भी कहूंगा कि अपने मुख्यमंत्री को मनवाओ, सरकार को मनवाओ, और एक दिन मुसलमानों के लिए, नहीं तो जिंदगी भर इसका जवाब मुसलमानों को देना पड़ेगा, मुसलमान लीडर को देना पड़ेगा। जितने मुसलमान लीडर जो अपने मक्तेदारी करते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम मुसलमानों के लिए जान देते हैं, ऐसे मंत्री बन के बैठे जो मुसलमानों की जान पे जीत के आने वाले, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, और जनता को तो देना ही पड़ेगा लेकिन अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम की अगर सब भीड़ एक साथ होती है, आपको लगता नहीं एक साथ जमा होंगे सब लोग तो काफी दिक्कत हो सकती है, बीमारियां और बढ़ सकती है? नहीं बिल्कुल, कैसा, अगर मैं पीपी किट के पहन के जब जा सकता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर्स अगर पीपी किट पहन के सेफ महसूस कर सकता है, तो मैं, हम सबको इतना करेंगे जो जो जगह पे, जहां जहां मस्जिदों में, जहां जहां ईदगाहों में, जहां जहां मैदानों के अंदर, जो जो कमेटी इस चीज को ऑर्गेनाइज करेगी, उस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि बिगर पीपी किट के वो मैदान में दाखिल ना हो, बिगर पीपी किट के वो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। हमको तो नमाज पढ़ना है, सुबह के वक्त हम जाके 5 मिनट नमाज पढ़ेंगे, गरीब से गरीब आदमी नमाज पढ़ सकता है, और इस साल हम पीपी किट पहन के नमाज पढ़ने जाएंगे। अगर नए कपड़े अगर हमने एक साल नहीं खरीदा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नमाज से तो हम कम से कम महरूम नहीं होंगे, और इस साल हम जैसा रेगुलर जिस तरीके से हर साल मनाते उसी तरीके से हम इस साल भी ईद मना सकते हैं। यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने, हमारी एक बात हमने रखी है, एक महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से पूरी आवाज कौम की बात थी, और कौम की आवाज बोलकर हाजी अराफा शेख बोल रहा हूं, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, पूरी कौम की बात है, पूरे कौम के उलमाओं की आवाज है, पूरे कौम के जितने भी बड़े बड़े पीरों की बात है, हर पीरों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आवाज बनकर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने एक विनंती कर रहा हूं कि हमको नमाज पढ़ने दे। इस साल हमने डिसाइड किया है पठानी की जगह पे पीपी किट पहन के नमाज पढ़ेंगे, और इसके अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, खास तौर पर शरद पवार जी, जिनका ताल्लुक ज्यादा मुसलमानों से हमेशा रहा है, उन बड़े दिग्गज नेताओं से कहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर इस चीज के लिए हमको आप फैसिलिटी दीजिए, यही हमारी विनंती रहेगी, हाथ जोड़ के विनंती रहेगी, और ये निवेदन मैं सभी नेताओं को जो महाराष्ट्र के अंदर जो आज मुस्लिम लीडर बन के काम कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये हमारी कौम की बात है। हर मुसलमान लीडर, मैं समझता हूं कि जितने मंत्री बने हुए के वो नमाज नहीं पढ़ने वाले, उनको भी नमाज पढ़ना है, तो अगर वो इस साल अगर वो खुद नमाज से महरूम रहे और वो ये चीज नहीं कर पाए, अपने खुद की भी नमाज अगर वो अगर नहीं पढ़ सके, तो मुझे लगता है कि उनका मंत्री बन के भी कोई फायदा नहीं होगा। आज बहुत सारी चीजें, बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें, इंशाल्लाह ताला बहुत बातें हैं, हम जरूर आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारे गिले, बहुत सारे शिकवे, लेकिन आज ये सब टाइम नहीं है। आज सिर्फ एक ही चीज है कि हर मुसलमान लीडर ने जो साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ करीब है, उन सब मंत्रियों से कहूंगा, उन सब लीडरों से कहूंगा, आप उनके साथ बात कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब से कहूंगा, मेरे पार्टी की ओर से कहूंगा कि मैं पूरे मुसलमानों की आवाज बन के देवेंद्र फडणवीस साहब से कहूंगा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कीजिए, और हमको पीपी किट के अंदर, हम उसका लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहीं पे भी उसका फज्जा उड़ने नहीं देंगे, कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, और एक एक इस चीज, जितना हम हमारे धर्म को चाहते हैं, हमारे देश को भी हम चाहते हैं, बिल्कुल उसका पालन रखते हुए, और सिर्फ देश और दुनिया के लिए उस ईद के मैदान के अंदर हम दुआएं करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो दुआओं की बरकत से इस देश से कोरोना बीमारी बिल्कुल हट जाएगी। यही मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से विनंती करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। तो आपने सुना हाजी अरफात ने क्या कहा, उनका क्या कहना है, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर पीपी किट पहनकर मरीजों के पास जा सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, और अगर किसी कोरोना पॉजिटिव की मौत हो जाती है तो उसे दफनाने के लिए लोग पीपी किट पहनकर उसे दफनाते हैं, ऐसे में हर मुसलमान को पीपी किट पहनकर नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अगर मस्जिदों में नमाज की परमिशन नहीं दे सकते तो हमें किसी मैदान का अरेंजमेंट करके दिया जाए, ताकि हर मुसलमान इस मुबारक महीने की ईद की नमाज पढ़ सके। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।